Hi guys, welcome to Rinky's Angelic In. Wish you all a very happy new year. I hope aapka ye saal bahut hi shubh rahe, aapko sari kamyabi mile. Jaise hum karte hain teen tarot cards aur ek angel message, main usi tarike se January ke liye aapke liye readings dungi jo aapko kahin advices aur kahin thoda you know predictions dega aur aapko aage badhne ke liye definitely help karega. Is mahine jo cards hum use kar rahe hain wo hai healing with fairies. Aap log agar mere channel pe bahut time se ho, aapko pata hai ये डेक हमने पास्ट में भी यूज किया है. ये आपको एक जनरल मैसेज देगा. यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन सोचने की जरूरत नहीं है. इट्स जस्ट लाइक वो मैसेज आप आपके एवरीडे बेसिस में इनकल्केट कीजिए एंड यू विल सी द डिफरेंस. ऑल्सो मैंने एक वीडियो किया है एंजल मैसेजेस फॉर 2019 जो पूरे साल के लिए बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा. अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो उसकी लिंक यहाँ पर होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जाएगी. That's about it. I hope you really enjoy these readings and please do share your feedback for the same. Thank you so much. And we move on to Pisces, yani ki Meen Rashi. मैं आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल मैसेज. तो देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं. जो पहला कार्ड है वो है कार्ड ऑफ वॉन्ड्स. ये कार्ड आपको बता रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बहुत ज्यादा है इस महीने. यू नो आप सोच रहे हो कि यार मुझे ये भी करना है विच एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स इज अ ग्रेट थिंग. तो आपने जो भी एक्सपेक्ट कर रखा हुआ इज एब्सोल्युटली राइट फॉर यू. कहीं भी आपको कोई भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि जब आप बड़ा सोचोगे ओनली देन आपके साथ बड़ी चीजें लाइफ में आएगी. तो इट्स जस्ट टेलिंग यू वर्क वाइज थॉट प्रोसेस वाइज थिंग्स आर बैंग ऑन. कोई चेंज की जरूरत नहीं है. आप वही डायरेक्शन फॉलो कीजिए, वही जो आपने विजन बनाया हुआ है उसे फॉलो कीजिए. सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप्स इज टेलिंग यू आप बहुत ही एक पावरफुल पर्सन है. यू नो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है. दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिलेशंस. दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट इमोशंस. तो आप सारी चीजें बहुत ब्यूटिफुली डील कर रहे हो. आपको कोई भी चीज से घबराना नहीं है. यू नो आप जब बहुत ओवर थिंक कर लेते हो और सेल्फ डाउट करने लग जाते हो वहां आप एक थोड़ी गलती कर लेते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्राइट है, जिसका मतलब है जनवरी आपका बहुत ही अच्छा महीना जाने वाला है. जो थर्ड कार्ड है विच इज़ अ कार्ड ऑफ जस्टिस, इट्स टेलिंग यू यू नो जैसे जैसे आपने सोचा है कि यार ये स्टेप के बाद ये स्टेप है, ये स्टेप के बाद ये, वो सारी चीज़ें अच्छी जा रही है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसिस, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पीस ऑफ माइंड. सारी चीज़ें ब्रिलियंट बैंग ऑन द कार्ड्स है. येस आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ओवरबॉर्ड है बट एट द सेम टाइम अगर आपको उसका 70% भी मिल रहा है यू विल स्टिल बी कंटेंट, यू विल स्टिल बी हैप्पी. ऐसा कोई वो रिग्रेट नहीं होगा कि यार मुझे वो चाहिए था और नहीं मिल पाया. आपको ये मिला उससे भी आप सेटिस्फाइड हो, कंटेंट हो, विच इज अ ग्रेट साइन. अब जो एंजल मैसेज है आपके लिए वो है ब्रेकिंग फ्री. एंजल्स आपको बता रहे हैं बस अपने आप को ना बांध कर नहीं रखना है इस महीने. आपको जो करना है अपने आप को वो छूट दीजिए, अपने आप को वो लाइबिलिटी दीजिए कि हाँ आई एम केपेबल एंड आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप जितना अपने आप को बांध कर रखोगे यार ये मेरे बस का नहीं है या मेरे को ये चीज़ से घबराहट हो रही है, इट्स जस्ट अ टाइम वेयर ब्रेक फ्री एवरीथिंग एंड वॉक फॉरवर्ड. आपके सामने अपॉर्चुनिटीज अपने आप फ्लोट इन करेगी जब आप यूनिवर्स को बोलोगे कि वॉट यू आर रेडी फॉर अ लॉट bright changes in your life, only then universe is going to send you these bright opportunities. So it's just like ये महीना आपको to the fullest use करना है, सारी चीजों में efforts लगाना है, वो आपके efforts beautifully paid होंगे and you will be very very happy by the end of the month, which is a great sign for you guys. I hope you guys have a great month and stay tuned, stay connected for my upcoming videos. Thank you.